समाजवादी पार्टी के 25 साल पूरे हो गए हैं और आज इस अवसर पर लखनऊ के जनेश्वर मिश्रा पार्क में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जहां आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन की आहट साफ सुनाई दी। आइए देखते हैं रिपोर्ट। ये मंच जनता पार्टी का नहीं है, बल्कि ये मंच है समाजवादियों का, जहां लोहियावादियों के चेहरे एक साथ देखे गए। दरअसल ये मौका था समाजवादी पार्टी के 25 साल के जश्न का, जहां लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, अजीत सिंह और एचडी देवेगौड़ा अतिथि के तौर पर इस जलसे में शामिल हुए। भले ही ये मौका 25 साल के जश्न का था, लेकिन यहां विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन की आहट साफ देखी जा रही है। इस समारोह में जहां सभी नेताओं को साथ लेकर नए गठबंधन को शक्ले तामील करने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं चाचा भतीजे के बीच खिंची लकीर को मिटाने का प्रयास भी किया गया। समारोह की शुरुआत में लालू प्रसाद यादव मंच पर एक साथ अखिलेश और शिवपाल को लेकर आए और तब अखिलेश ने चाचा शिवपाल यादव के पैर भी छुए। हालांकि यहां अखिलेश ने घर में चल रहे घमासान का जिक्र करते हुए कहा, राम मनोहर लोहिया कहते थे लोगों को उनकी बात समझ आएगी लेकिन उनके मरने के बाद। मैं इसी बात को दूसरे रूप में कहता हूँ कि लोगों को समझ में आएगा लेकिन सभा का नुकसान हो जाने के बाद। अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव देश का भविष्य तय करेगा। साथ ही इस दौरान अखिलेश ने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी देश को बांटने का काम कर रही है। वैसे अभी तक ये समझा जा रहा था कि सपा में संग्राम थम गया है, लेकिन इस समारोह में चाचा शिवपाल यादव का दुख फिर सबके सामने छलका। शिवपाल यादव ने कहा कि मैंने भी पार्टी के लिए काफी त्याग किया है, पार्टी के लिए काम किया है, लेकिन कुछ लोगों को विरासत में मिल जाता है। हमने जो लिया है मेहनत कर लिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी में कुछ घुसपैठिए घुस गए हैं, उनसे सावधान रहना होगा। शिवपाल यादव ने कहा, मैं एसपी कार्यकर्ताओं को बताना चाहता हूं कि जितना त्याग लेना चाहो ले लो, मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है। उन्होंने कहा कि यदि अखिलेश खून मांगेंगे तो मैं खून दे दूंगा। वहीं कार्यक्रम में मुलायम सिंह यादव ने जहां कार्यकर्ताओं में जोश भरा और चुनाव पर ध्यान लगाने की नसीहत दी, साथ ही उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि हम सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं बल्कि सांप्रदायिक ताकतों को रोकने का काम भी करेंगे। इस दौरान आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी कहा कि जैसे बिहार से बीजेपी को खदेड़ा था, वैसे ही यहां से भी खदेड़ेंगे। वही कार्यक्रम में सभी नेताओं ने सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए एकजुट होने की बात भी कही। लखनऊ से डीबी लाइव के लिए रतिबान त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो समाजवादी पार्टी के 25 साल के जश्न में जहां सत्ता में वापसी के लिए नए गठबंधन की सुगबुगाहट दिखी, तो वहीं इशारों ही इशारों में आपस में तीर भी चले और बीजेपी के खिलाफ एक सुर में कई दलों के नेताओं ने आवाज भी उठाई। देखते रहिए डीबी लाइव।